अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। और दिखता है उन सबके दिल में कितनी नफरत है, कितना गुस्सा भरा हुआ है। और खास करके ऋषि, वो ना DNA रिपोर्ट देखकर भी ना उसने भरोसा नहीं किया। मुझे महसूस हो रहा है शालू, वो ना मानने को तैयार ही नहीं है। तो फिर ना माने ना दी, क्या फर्क पड़ता है? देख, रिपोर्ट उनके सामने है तो साबित तो हो ही गया है। अब उनको पूछना है तो पूछने देना, कब तक पूछते रहेंगे? अभी कुछ नहीं पूछ रहे वो, लेकिन बहुत जल्द ना वो जरूर पूछेगा। जब उसे ये एहसास हो जाएगा ना कि पारू उसकी बेटी है, फिर ना ही मैं उसका सामना कर पाऊंगी और ना ही उसके सवाल होगा। वैसे ही मुझे इतना दुख हो रहा था जब उसने मुझसे वो सब कुछ कहा था, जब उसने मुझसे कहा था कि मैंने उसका हक छीन लिया, पिता होने का हक छीन लिया। जब उसने मुझसे कहा कि मैंने वो प्यार छीन लिया है जो वो पारू को दे सकता था। जब उसने मुझसे कहा कि मैंने उसके पिता होने का कर्तव्य छीन लिया। ये सारी बातें सुन के मैं वैसे भी अपने आप को दोषी मान रही, और अब एक और बार उसे मैं वापस उसके सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। I'm telling you, baby. उसने पक्का ऋषि से झूठ बोला है कि वो बच्ची ऋषि की है। Of course झूठ बोला है, इसलिए मैंने DNA टेस्ट करवाया। गुड, बहुत अच्छा किया। और मैं बिना रिपोर्ट देखे बता सकती हूँ कि रिजल्ट क्या हुआ होगा। वो बच्ची ऋषि की हो ही नहीं सकती। क्या क्या नाम है उसका? पारो। हाँ, पारो। ऋषि पारो का डैड नहीं है। बिल्कुल, और DNA रिपोर्ट्स में भी यही आया है। वैसे अच्छा है वो आज शाम को आ रही है, मैं भी तो जरा देखूँ उसे, मिलूँ उससे। आज तक कभी मिली नहीं हूँ। सीधा भी करूँ, कभी सीधा करने का मौका मिला नहीं ना दी। रहने दो आज, जरूरत नहीं है। इस कीचड़ से तुम दूर ही रहो, और वैसे भी कीचड़ में पत्थर डालोगी तो गंदगी पलटकर तुम पर ही आएगी। अभी नहीं करते हैं ऋषि भाई। देखो, जब जब शालू, लक्ष्मी भाभी, आप और मैं आमने सामने बैठेंगे ना, तब ये बात करेंगे। ऋषि भाई आप मेरी बात सुनो, अगर हमने अभी फोन कर दिया और ये बात मैंने उससे शालू से कर ली ना ऋषि भाई, तो वो लोग बहानों के साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। ऋषि भाई उन्हें पता होगा उन्हें क्या बोलना है, हम लोग उनसे क्या क्या पूछ सकते हैं, वो क्या क्या जवाब दे सकते हैं। इस बार मौका नहीं देंगे ऋषि भाई। जब आप, मैं, शालू और लक्ष्मी अभी आमने सामने होंगे ना, तब उनसे ये बात करेंगे। और वैसे भी ऋषि भाई, शालू को भी ये बात पता है कि मुझे पता था कि लक्ष्मी अभी प्रेग्नेंट थी। शालू भी ये बात जानती थी? मतलब मैं, अच्छा प्लीज ट्रस्ट मी ऋषि भाई, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ना सब कुछ, पर अभी के लिए मेरी ये बात मान लो ऋषि भाई प्लीज। इसलिए बोल रहा हूँ, जब वो हमारे आमने सामने होंगे वो कुछ बहाना मार ही नहीं पाएंगे ना। मुझे सच पता है, उसको पता है कि मुझे पता है। आप कसम खाओ मेरी यार, कसम खाओ। क्या कर रहा है आप? मेरी बात प्लीज, जस्ट प्रॉमिस मी ऋषि भाई, जब तक हम चारों बैठ के ये बात आमने सामने नहीं करेंगे ना, आप पारो के बारे में बात नहीं करोगे लक्ष्मी भाभी से। आप जान भर की बातें करो, कोई भी बात करो, आई डोंट केयर ऋषि भाई, पर इस बारे में नहीं। एक बार हम चारों को आमने सामने आने दो, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, हमें सच बताना ही पड़ेगा उन्हें। ओके, प्रॉमिस मी। अरे प्लीज प्रॉमिस मी। हां प्रॉमिस यार, प्रॉमिस। ओके सॉरी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।